हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे चेक को प्रिंट करना। तो चेक कैसे प्रिंट किया जाता है टैली ईआरपी 9 में। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, F11 करेंगे। और F11 करने के बाद आपको अकाउंटिंग फीचर में आना है। और अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद यहाँ पर दूसरे वाले आपका तरफ इस तरफ आ जाना है। बैंकिंग का सेक्शन एक आपको एक यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें आपको चेक इनेबल चेक प्रिंटिंग को आपको यस करना है। इसके और नेक्स्ट इसके नीचे वाले को भी है, इसको भी यस कर देना। और यहाँ पर सारे को यस करके और आप यहाँ से इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसे बैंकिंग फीचर्स को भी यस कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर यस, और यहाँ पर आपको जो है पोस्ट डेटेड को भी यस कर देना है। मतलब चारों ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक का आपने लेजर बना रखा होगा। तो यहाँ पर बैंक का मैंने दो बना रखा है, तो दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया है। और एंटर 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 कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है और लेजर। और इस लेजर में आपको जो आपने पहले से बना रखा है लेजर किसी भी बैंक का, उसमें आना है। और उसे अब बनाते समय आप थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी बैंक का है आपका नाम लिखना है, और यहाँ पर बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आपका जो है आएगा कंपनी का नाम ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर है अकाउंट नंबर, और यहाँ पर IFSC कोड आएगा। और अगर आपके ने परचेज कर कर लाइसेंस वर्जन आपके पास है, तो यहाँ पर अभी जो नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका बैंक का लिस्ट आ जाता है। जो भी आप यहाँ पर इंडिया में बैंक अभी वर्क कर रहा है, वो सब बैंक का लिस्ट आ जाता है। तो मेरा एजुकेशन मोड है, इसलिए इसमें बैंक का नाम नहीं आया, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ब्रांच आएगा, तो ब्रांच में आपको ये यहाँ पर जो है जो भी गाज़ियाबाद में मेरा ब्रांच है, तो वहाँ पर गाज़ियाबाद डाल देना। इसके बाद यहाँ पर चेक को यस कर देना है, और यस करने के बाद यहाँ पर जो है चेक का जो है रेंज आपको सेट कर देना है। जैसे कि मेरा चेकबुक का जो पहला चेक है उसका नंबर यहाँ पर फिट कर देना है, और इसके बाद चेकबुक का जो लास्ट वाला चेक का नंबर है वो आपको यहाँ फिट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर 50 या जितना भी चेक का रेंज होगा वो आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बुक 1, 2, 3 आप अपने हिसाब से जो चाहो आप रख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आगे, और इसके बाद ये आता है ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो इसको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पर जो है ये चेक का डिटेल डालना है कि मतलब चेक का विथ क्या है, हाइट कहना है क्या है, इसका लेफ्ट में कहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, ये सब आपको यहाँ से मतलब पूरा पूरा डिटेल इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर 1, 2 कहाँ कहाँ क्या चीज़ चाहिए आपको सारा सारा फिल कर लेना है। अगर आपने पहले से दूसरा कोई बैंक का चेक का बना रखे हो और उसमें आपने ये सब डिटेल फिल कर रखा है आप, तो आप उसे का पूरा डिटेल कॉपी करने के लिए उस चेक का, तो आप ट्रोल सी करना पड़ेगा। और इसके बाद जिस बैंक का आप चाहो, जैसे PNB का मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो कॉपी कर लिया मैंने, आ गया। अब इसका जो है ना प्रीव्यू देखने के लिए हमारा कैसा हमारा प्रिंट आउट आएगा, उसके लिए Alt-P करना है आपको, Alt-P। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अगर ये आपका नहीं आता है, कुछ इस तरह से अगर आता है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल खाली सा अगर आएगा, तो यहाँ पर Alt-I करना है और विथ प्रिंट प्रीव्यू ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर जूम करने के लिए Alt-Z होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा पे, कंपनी का नाम आ गया, ये सब हमारा डिटेल्स आ गया। हमारा कैसा प्रिंट आउट निकलेगा चेक का, कुछ इस तरह से निकलेगा, हमारे दिखा रहे हैं। इसके बाद इसे सेव कर देंगे Ctrl-A से, और इसके बाद एंटर, और एंटर 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 कर देंगे, और लास्ट तक इसे भी सेव कर देंगे Ctrl-A से, सेव कर देना है। इसके बाद बैक आना है, और बैक आने के बाद किसी को मैं पेमेंट करता हूँ यहाँ से, तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जा करके F5 होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पर F12 दबाना है। और F12 दबाने के बाद आप यहाँ से, मैंने इसको यस रैम दिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। और यहाँ पर हमें जो है ना नेक्स्ट एंटर मारते मारते आपको यहाँ पर आ जाना है, इसको यस कर लेना है। यहाँ पर है ना चेक कंफर्म इट्स चेक बिफोर द प्रिंट कह रहा है, तो कह रहा हाँ ठीक है, कोई भी चेक प्रिंट करने के लिए आपको जो है ना यस करना है। और इसके ऊपर वाले को ये जो है इसे भी यस कर लेना है, चेक प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग द वाउचर, इनको भी यस कर लेना। इन दोनों को यस करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ से इसे 9 ही रहने देना, और इसके बाद इसे तीनों को यस कर देना है आपको यहाँ से।
और एंटर एंटर। इसके बाद यहाँ पर जिस बैंक से हमें चेक देना है, SBI से देना है तो SBI हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर SPS दबा के जिसे भी आप मुझे राहुल को पेमेंट करना है तो राहुल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जितना पैसे आपको डालना है पेमेंट करना है मैंने 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया और एंटर। अब इसके बाद एंटर एंटर जैसे एंटर दबाओगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें चेक का जो है ना रेंज ऑटो अपने आप आ गया है। अगर हमारे पास बहुत सारे चेक का रेंज है तो वो आप यहाँ पर सारा का सारा दिखाएगा, बट अगर हमारे पास अगर जैसे कि एक ही रेंज है तो एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब एंटर दबाने के बाद यहाँ पर चेक का जो है चेक अपने आप रेंज आ जाता है, बट आप चाहो तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ से आप जो भी लिखना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद एंटर दबा के किस आप डेट को आप इशू कर रहे हो चेक, वो डेट आपका यहाँ पर आ जाएगा, और एंटर एंटर। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो ये कह रहा है चेक का प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है चेक को प्रिंट करने के लिए आप प्रीव्यू देख लेते हैं। हम प्रीव्यू देखने के लिए हमें यहाँ विथ प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, अगर ये नहीं आया तो आप ऑल्ट आई कर दोगे। ऑल्ट आई हटाने के लिए भी होता है, प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखना है तो अगर देखना है तो फिर भी ऑल्ट आई ही करना होता है, और प्रिंट प्रीव्यू के इसके बाद एंटर दबाएंगे यहाँ पर तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। ऑल्ट जेड करोगे तो इसे जूम कर सकते हो, जूम करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हो कि राहुल को हम कर रहे हैं, और इसके बाद कितना कर रहे हैं 20,000 ओनली पे ही आप किस डेट को, और यहाँ पर सिग्नेचर जो भी 1-2 सिग्नेचर हमने यहाँ पर कर दिया। तो इसके बाद बैक यहाँ पर आना है, बैक आने के बाद आप यहाँ पर बैंकिंग में जाके चेक प्रिंटिंग में भी आप जा कर के देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा चेक नंबर। यहाँ से भी अगर आपको कुछ एडिट करना है, चेक को सही करना है किसी वजह से, अगर नंबर वंबर इधर उधर हो गया या डेट हो गया, तो इसके लिए App 7 होता है। App 7 से नंबर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर प्रिंटिंग का, जो भी चाहो आप इसका कर सकते हो, चेक का नंबर सेट कर सकते हो यहाँ पर। और अगर ये पैसे निकाल लिया हमारा चेक से तो आप यहाँ पर आ कर के बैक और बैंक रिकाउंसिलेशन में जा कर के आप यहां से डेट डाल दोगे जिस डेट को हमारा वो पैसे निकाला गया हमारा से अकाउंट से, तो जो भी डेट चाहो आप यहां पर डाल करके और एंटर दबा सकते हो। तो फिर आपको यहां पर अगर आओगे आप चेक रजिस्टर्ड में तो आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि हमारा चेक जो है, देख सकते हैं चेक नंबर 6 मैंने दिया था राहुल को, और ये 1 तारीख को हमारा इंस्टॉल और रिकाउंसिल्ड हो गया ये चेक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।